हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे पॉपुलर एक्ट्रेस अदा शर्मा के बारे में। अदा शर्मा को शायद आप जानते हों जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से ऑडियंस के दिल पर राज किया। तो इस वीडियो में बात करेंगे इनकी लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है अदा शर्मा और प्यार से इनको एड्स एंड रजनी स्पाइडर कहते हैं। ये प्रोफेशन से एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं। इनका जन्म 11 मई 1992 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ। 2024 के हिसाब से आज इनकी एज 32 ईयर हो चुकी है। अब इनके फिजिकल स्टेटस देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5'7". इनका आई कलर ब्राउन और हेयर कलर ब्राउन है। ये नेशनलिटी से इंडियन हैं और रिलीजन से हिंदू हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई ऑक्सिलियम कन्वेंट हाई स्कूल बड़ाला मुंबई से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की हुई है। दोस्तों, अदा जब 3 साल की थी तब उन्होंने जिमनास्टिक का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। बचपन में वह सर्कस में काम करने, पेंटिंग बनाने और यहाँ तक कि खेती करने जैसी विभिन्न प्रोफेशन को अपनाने की ख्वाहिश रखती थी। एक इंटरव्यू में अदा ने खुलासा किया कि जब वह 3 साल की थी तब वह भगवद गीता का पाठ करती थी। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने जैज, बैले और कथक जैसी विभिन्न डांस शैलियों को सीखा। बाद में उन्होंने सालसा सीखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका USA में 4 महीने बिताए। इसके अलावा उन्होंने बैले डांस फॉर्म में भी ट्रेनिंग प्राप्त की। अदा जब 10 साल की थी तब उन्होंने अपने स्कूली एनुअल फंक्शन पर एक डांस परफॉर्मेंस दी थी जिसमें मशहूर एक्ट्रेस आशा पारेख को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। अदा ने उस दिन कथक परफॉर्मेंस किया और उनके परफॉर्मेंस के बाद आशा के मैनेजर ने अदा से कहा कि एक दिन उन्हें डांस से जुड़ी किसी फिल्म में काम करने का मौका जरूर मिलेगा। इसके बाद अदा ने मुंबई में नटराज गोपी कृष्ण कथक डांस अकेडमी में कथक विशारद की पढ़ाई की। अब देख लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो अदा ने फर्स्ट टाइम बॉलीवुड मूवी में डेब्यू किया था 1920 मूवी से, जिसमें इनका कैरेक्टर लिसा सिंह राठौड़ का था। और उसके 3 साल बाद यानी कि 2011 में इन्होंने फिर मूवी में काम किया जिसमें इनका किरदार दिशा मल्होत्रा का था। और उसके 2 साल बाद यानी कि 2013 में इन्होंने हम है राही कार्के में काम किया। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगू, कन्नड़ एंड तमिल फिल्मों में भी काम किया है। इनकी फर्स्ट डेब्यू तेलुगु मूवी का नाम है हार्ट अटैक, जो कि साल 2014 में आई थी, जिसमें इनका कैरेक्टर हयाती का था। और 2015 में इन्होंने कन्नड़ मूवी में डेब्यू किया था राणा विक्रमा से, जिसमें इनका कैरेक्टर पारू का था। और फर्स्ट टाइम तमिल मूवी में डेब्यू किया था इन्होंने एदुनामा आलू से, जो कि साल 2016 में आई थी। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी मूवी में काम किया जिनके नाम हैं हसी तो फसी, कमांडो 2, कमांडो 3, द केरला स्टोरी, सन ऑफ सत्यमूर्ति, चार्ली चैपलिन 2, कल्की, सेल्फी। तो हमको कमेंट करके बताना कि इनकी कौन सी मूवी आपको बहुत पसंद है और ये आपको कैसी लगती हैं। और अब उनकी अपकमिंग मूवी है द गेम ऑफ गिरगिट। साथ ही साथ इन्होंने टीवी में भी काम किया है। इन्होंने फर्स्ट टाइम टीवी में डेब्यू किया था पुकार टीवी सीरियल से, जो कि साल 2014 में आया था। और उसके अलावा इन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया। इनकी फर्स्ट डेब्यू वेब सीरीज का नाम था द हॉलीडे, जो कि 2019 में आई थी। उसके बाद ये पति पत्नी और पंगा, ऐसा वैसा प्यार, मीट क्यूट, कमांडो, सनफ्लावर जैसी वेब सीरीजों में भी थी। अब इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डिफरेंट टाइप के अवार्ड दिए गए जिनके नाम हैं स्टार डक्स अवार्ड, आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड, जी साइन अवार्ड। अब मिलवाते हैं अदा की फैमिली से। तो अदा के फादर का नाम लेट SL शर्मा है, जो प्रोफेशन से इंडियन मर्चेंट नेवी में काम करते थे। इनकी मदर, जिनका नाम शैला शर्मा है, जो इंडियन क्लासिकल डांसर थी। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं, तो ये अनमैरिड हैं। आप इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहती हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो
तो इनके पास फर्स्ट कार है ऑडी A6, सेकंड कार है BMW X5, थर्ड कार है ऑडी A4C। अब इनके इनकम एंड सैलरी देख लेते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार ये लगभग 1 करोड़ रुपये पर मूवी चार्ज करती हैं, साथ ही साथ ब्रांड नेटवर्क से भी लाखों रुपये कमा लेती हैं। अब इनके नेटवर्क देख लेते हैं तो मैं आपको बता दूँ, रिपोर्ट के अनुसार इनका टोटल नेटवर्क लगभग $5 मिलियन है, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 42 करोड़ रुपये बनता है। तो ये थी अदा शर्मा की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।